होल्डर की परमिशन देनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको सेव कर लेना है इस पे क्लिक करके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं सामने दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक, हम ई ऑफिस के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है उसको हम ई ऑफिस पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे माइग्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है कि जो फाइलें हमने माइग्रेशन करनी है, जो प्रोसेस करना है, वो तीन तरह की फाइलें होती हैं। सबसे पहली है करंट फाइल्स, मतलब जो आप अभी ई ऑफिस पे आपने ओपन कर रखी है वो होती है करंट फाइल्स, जो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक है जो आप यूज कर रहे हो। एक है पार्शियल फाइल्स, मतलब कुछ आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है, कुछ आपकी ओल्ड जो अभी करंट में चली हुई है, जिन्होंने भी काम शुरू ही किया है कि भाई कुछ हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं जो ई ऑफिस पे चल रही हैं और कुछ हमारी फिजिकल फाइल है जिसपे हम काम कर रहे हैं अभी करंट में। ठीक है दोस्तों, एक होता है पार्शियल फाइल, एक होता है क्लोज फाइल, एक जिसमें आपको फर्दर कोई एक्शन नहीं लेना होता, वो सिर्फ रखी है कि ये क्लोज फाइल है हमारी। ये तीन तरह की होती है। इसमें जो सबसे पहले जो प्रेजेंट सिनारियो वाली होती है वो करंट फाइल्स होती हैं, जो अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पार्शियल फाइल्स की है। अब दोस्तों ये ऑलरेडी ई ऑफिस पे है तो हमको इसको अपलोड करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्शियल फाइल से। इसमें जो हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है ये हम सबसे पहले इसको हम ई ऑफिस पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये हमारी करंट फाइलें हैं, वो पार्शियल फाइलें हैं जो भी हम ओल्ड उसमें ऑफलाइन हम जो यूज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये ओल्ड फिजिकल फाइल, ये क्लोज फाइल। तो सबसे पहले हम ये करेंगे पार्शियल फाइल्स अपनी सारी की सारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे होगी हमारी क्लोज फाइल्स, जिसको हम इसको तो सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं, जो क्लोज फाइलें होती हैं उनको ई ऑफिस पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। उसका एक रिकॉर्ड आप पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में अपने पास रख सकते हो। वैसे तो जितना भी आपका ये रिकॉर्ड है आपको हार्ड डिस्क में भी रखना है, ई ऑफिस पे ये तो अपलोड होगा ही, हार्ड डिस्क में भी आपको अपना एक अलग से रिकॉर्ड रखना है सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, फाइल माइग्रेशन करने के स्टेप जो हमको फॉलो करने हैं, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल्स ब्रांच। जो आपको फाइल है जितनी भी आपकी जो स्कैन करनी है वो ब्रांच वाइज अलग अलग होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है आपका। दूसरा स्टेप है स्कैनिंग गाइडलाइंस। जो आपके यहाँ पर जिस भी पार्टी को आप स्कैन करने के लिए टेंडर दोगे, जो भी आपके वहाँ पर टेंडर और स्कैनिंग करेगा डॉक्यूमेंट्स को, उसकी ये पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स उसको पता होने चाहिए कि जो आपका पेज है उस पेज का जो स्कैन रेजोल्यूशन है वो 150 और 200 dpi होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके बीच में होना चाहिए डॉट्स पर इंच dpi। उसके बाद है जो आपका जो पेज है, जो नोटशीट फाइल्स के नोटशीट के अलग और कॉरेस्पॉन्डेंट साइट के अलग, सबका अलग अलग स्कैन होगा। जैसे नोटशीट पे हम आगे भी लिखते हैं और बैक साइड में भी लिखते हैं, तो उन दोनों का अलग अलग स्कैन होगा, आगे पीछे नहीं, अलग अलग स्कैन होगा, एक तरफ से एक बार स्कैन हर एक का। दूसरा है उसमें ग्रे स्केल जो है ऑप्शन, उसको जो स्कैन करने के लिए आएगा जो पार्टी उसको पता होगा, जो इसमें टेक्निकल है ये काम, उसको पता होगा कि उसको ग्रे स्केल ऑप्शन है वो चूज करना है। चौथा है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि जो भी आपका आपकी फाइल पर जो भी PDF जो कन्वर्ट किया जाएगा, जो स्कैन किया जाएगा, वो सर्चेबल होना चाहिए, सर्चेबल PDF फॉर्मेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर अगर कुछ सर्च भी करना पड़ गया जो आपकी करंट फाइलें हैं, तो आप वो सर्च डाल के PDF में सर्च कर सकते हो, इसीलिए जो PDF फॉर्मेट है वो सर्चेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों इसके बाद है स्टेप 3, स्कैनिंग प्रोसेस एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओगे डेस्कटॉप पर ई ऑफिस के नाम से, उसके अंदर फिर एक और फोल्डर बनाओगे जो होगा, जो इस नाम से होगा दोस्तों FL-NIC। आपका जो ऑफिस की लोकेशन है, जिस स्टेट की या जिस जगह की वो डालनी है, जैसे चंडीगढ़ का है तो चंडीगढ़ NIC चंडीगढ़,
NIC पंजाब, NIC दिल्ली, फिर अंडरस्कोर ई ऑफिस, फिर अंडरस्कोर इम्प्लीमेंटेशन इन DGR, मतलब इसके बीच में कहीं भी आपने स्पेस यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो फोल्डर बनाया था FL NIC ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन इन DGR, उसके अंदर आपने दो फोल्डर और बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ एक हुआ नोट और एक हुआ रिसीट। नोट में आएंगे आपके जो सिंगल साइड की नोटिंग है PDF फाइल, वो आएगी नोट में, और कोरेस्पोंडेंस साइड होगी वो आएगी आपकी सीट में, जो PDF फाइल पूरी स्कैन की हुई है। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी PDF फाइल है उसको रीनेम करना है, और कोरेस्पोंडेंस साइड को भी रीनेम करना है, जो आपने PDF जो कॉपी की है इन दो फोल्डर में उनको रीनेम करना है PDF फाइल को। रीनेम एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट इन DGR-NP, NP मतलब नोटिंग PDF। इससे आपको याद रहेगा कि ये जो हमने स्कैन किया है ये नोट शीट है, और ये जो स्कैन किया है वो कोरेस्पोंडेंस साइड है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इन DGR-CP कोरेस्पोंडेंस PDF। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो ई ऑफिस, जो NIC ऑफिस है, NIC आपको FTP एक्सेस दे देगा, उस जहाँ पर आप जो आपकी जो स्कैन फाइलें हैं वो अपलोड कर सकोगे। उसमें आपको एक URL दिया जाएगा, जो NIC ऑफिस है वो आपको एक URL देगा, यूजर ID देगा और पासवर्ड भी देगा। उसके बाद आपने उस पर लॉगिन कर लेना है। इसका आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्यूटर पे बताता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही जो NIC ऑफिस है उससे आपको जो FTP यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, तो उस पर उसके बाद आपको ऐसे लॉगिन करना है, NIC अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। फिर आपने जो ये दो फोल्डर बने हुए हैं, इस फोल्डर में जो नीचे वाला फोल्डर है उसको आपने रीनेम करना है। रीनेम में आपने राइट क्लिक दबा के उसको रीनेम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे रीनेम का ऑप्शन आएगा तो आपने इसको इसका नाम नोट शीट या फिर ऐसा कुछ करके इसका नाम रख लेना है, जिससे आपको याद रहे कि इसमें नोटिंग होगी, नोटिंग वाला ये फाइल नंबर डाल सकते हो उसमें। उसके बाद फिर जो पहला स्टेप है दोस्तों, इस फोल्डर के अंदर में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा है अपलोड फाइल्स, आपने इस पर क्लिक करना है, और जो आपकी ऐसे 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 ऑप्शन आ जाए, पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ही अपलोड फाइल करोगे ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, फिर जो माइग्रेट फाइल का जो ऑप्शन है उसमें आपने जाके फोल्डर परमिशन, जो फोल्डर आपने बनाया है उसके आपको फोल्डर की परमिशन देनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको सेव कर लेना है इस पर क्लिक करके। फिर स्टेप टू है इसका दोस्तों, आपने माइग्रेट फाइल का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे एक कवर फाइल का फॉर्मेट आ जाएगा आपके सामने, वहाँ पर आपने फाइल नेम डालना है, जो आपने फाइल नेम देना है, जो पार्टी जो आपने फाइल जो अपलोड करनी है इस पे उसका आपने फाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, और उसके बाद ये ब्राउज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको ब्राउज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे ये देख रहे हो दोस्तों आप NIC, ये हमने हमारा जो फोल्डर था उसके अंदर जो हमने फाइल अपलोड की थी वो आ गई है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये देखो सेलेक्ट फाइल नंबर एंड प्रेस इंपोर्ट, ये आपकी फाइल आ गई थी यहाँ पे जो आपने अपलोड की थी NIC पंजाब ऑब्लिक ई ऑफिस इम्प्लीमेंट इन DGR। इसमें आपका नोट शीट और कॉरेस्पोंडेंस साइड दोनों ही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक नोट का और एक रिसीट का। तो आपने पहले की नोट को सिलेक्ट करना है, नोट को सेलेक्ट करके ये PDF नोटिंग्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है आपने, डेस्टिनेशन नोट फोल्डर, उसके बाद क्लिक ऑन द डाउन एरो जो ये वाला बटन है उस पर क्लिक करना है, एंड चेक ऑर्डर टू। उसके बाद फिर दोस्तों आपने ऐसे ही सेम रिसीट का जो है फोल्डर उसका प्रोसेस करना है बिल्कुल सेम तरीके से। उसके बाद देखो दोस्तों ऐसे आ जाएगा, नोटिंग आपकी एक तरफ आ जाएगी और जो
रिसीट है आपकी वो एक तरफ आ जाएगी फोल्डर में। फिर आपने हेड चुनना है, यहाँ से हेड सेक्शन, डिस्क्रिप्शंस, डेट, क्लासिफाइड, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इधर देनी है, डेट की, कौन सी डेट तक वो फाइल है वगैरह, जहाँ पे आपने नोटिंग डाल रखी है, अलग अलग होगी, रिसीट की अलग और नोटिंग की अलग, तो आपने ये डाल देना है उसमें। उसके बाद ऐसे आ जाएगा पीडीएफ के लिंक, जो नोटिंग वाली साइट है वो ऐसे नोटिंग पे ऐसे अपलोड हो जाएगी, इधर आपको ऐसे नोटिंग दिखने लगेगी आपकी, जो आपने नोटिंग, देखो इसमें 72 पेज है, मान लो अगर आप जितने भी आपकी नोटिंग में पेज होंगे वो सारे सिंगल सिंगल इधर आ जाएंगे, और कॉरेस्पॉन्डेंट साइट पे क्लिक करोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंट साइट पे ऐसे आपके जो फोल्डर जो आपने बनाए थे अलग अलग पीडीएफ के, वो ऐसे आ जाएंगे। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस पेज एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, ऐसे ही आपने नोटशीट के भी करने हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे करके आपने फिर ये रैंडमली अपलोड होंगे। ठीक है, फिर तो दोस्तों अपना ये फाइल नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, इसको हम फिर सारी डिटेल इसमें डाल डूल के इसको जनरेट कर देंगे, तो आपकी एक ई ऑफिस की एक फाइल बन जाएगी, जो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो जो माइग्रेशन फाइल्स का है वो ओके हो जाएगा, सारी की सारी फाइलें। आपने फिर ऐसे ही प्रोसेस करना है हर एक फाइल का, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो फिजिकल फाइल है वो सारी की सारी आपने इसी प्रोसेस के साथ माइग्रेशन करनी है ई ऑफिस पर, आपकी जो पुराने वाली फाइलें हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने कोलीग्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।